स्टोन पेल्टिंग की घटना हुई, एक घायल जवान हुए, तो वो नहीं. आई स्टिल से द सेम. अभी तो आपने देख लिया कि एक स्टोन पेल्टर ने एक जवान जो कि बॉर्डर रोड्स की कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहा था. बॉर्डर रोड्स किस मकसद से वहाँ है? बॉर्डर रोड हथियारबंद फौज नहीं है, ठीक है. बॉर्डर रोड जो है सड़क निर्माण की कार्रवाई कर रही है, ब्रिज के निर्माण में लगी हुई है, अन्य कार्रवाई में लगी हुई है. उनकी कॉन्वॉय को जो एस्कॉर्ट कर रहा था जवान, ताकि उसके ऊपर आतंकवादी हमला ना हो पाए, उस पर भी लोगों ने पथराव करके उसकी जान ले ली. अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें? अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे हैं? इसीलिए हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि पत्थरबाजी से किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ पत्थरबाजों को ही हो रहा है. लेकिन अब एक्शन क्या लेंगे सर, इस तरह की घटनाएं फिर? देखिए, अब हमने क्या किया है, इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले FIR लॉन्च किया, क्योंकि हर वक्त हमारे खिलाफ FIR हो जाता है. हम उनको बताना चाहते हैं कि जो पत्थरबाज इस तरह की कार्रवाई करते हैं, हमारे जवानों को चोट भी लगती है, लेकिन इस वक्त तो एक जवान की मौत हो गई. और अगर किसी जवान की पत्थरबाजी से मौत हो जाती है तो उन नौजवानों पे जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.